ए भैया ये सब भेज दो क्या? नहीं भाई नहीं, तो सजावट के लिए रख थोड़ा। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुलिस होगी नहीं तो चोर उचक के बदमाश लगा होगा, नहीं तो कोई महात्मा थोड़ी होगा। वो गजब के कलाकार थे। लफड़ाई करता रहता है, अरे कभी तो ऐसा काम करो, घबराए हो जाए, अपने को क्या जा रहा है, मैं तो पीऊंगा। पर्दे पर उनकी एंट्री होते ही ठहाके गूंज उठते थे। उन्होंने जिन किरदारों को जिया वो अमर हो गए। लोयला अपना प्यारे प्यारे मोंजू को, मजनू को जंगल जंगल में पुकारता है। क्या? यूं तो वो अंग्रेजी साहित्य में PhD थे, लेकिन बन गए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शराबी। जरूर मिल जाते होंगे, इसलिए कि वो आम है और ये खास। तो ऐसा करो, जब ये आम हो जाएंगे तब हम खरीदेंगे। पुराने दौर की फिल्मों में झूमते शराबी का किरदार याद आते ही इनकी शक्ल खुद ब खुद जहन में उभर आती है। ये इकलौते ऐसे कलाकार थे जो टाइप कास्ट होकर भी सुपरहिट रहे और अपने दौर की हर दूसरी तीसरी फिल्म में मौजूद रहते थे। और हम दिला देंगे, ले लीजिए। मेरे कितने लोग बीवी हैं? एक नहीं, दो दो। आखिर ऐसा क्या था कि ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, असित सेन, रमेश सिप्पी जैसे तमाम दिग्गज डायरेक्टर इस कलाकार को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उतावले रहते थे। तुम भी सो जाओ। क्या नहीं? उधर जाके अपने बिस्तर पे सो जाओ। अगर आपने शोले फिल्म देखी हो और उसका किरदार हरी राम नाई याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बेहद छोटा रोल, लेकिन हरी राम नाई की भूमिका अमर हो गई। इस किरदार को निभाने वाले कलाकार थे केशटो मुखर्जी। वही केशटो मुखर्जी जिन्होंने न जाने कितनी ही सुपर डुपर हिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया। जैसे जैसे जेरिंग के साथ बेरिंग, एक्सीलेटर के साथ कार्बोरेटर वगैरह। आखिर ऐसा क्या था उस कलाकार में जिसके चलते महानायक अमिताभ से लेकर बादशाह शाहरुख खान तक उनके टैलेंट का लोहा मानते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑन स्क्रीन सबको हंसाने वाले कलाकार की निजी जिंदगी में था बेशुमार दर्द? आखिर क्यों जाने माने डायरेक्टर बिमल रॉय ने केशटो मुखर्जी को कुत्ता बनने पर मजबूर कर दिया और बाद में उन्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ा? साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों केशटो को कुत्ते, बिल्ली और चूहों के बीच सोना पड़ता था? आज बाग बाग में खिलेगा एक गुलाब। दरअसल केशटो की कहानी जितनी दिलचस्प पर्दे पर दिखती है, उनकी निजी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा दर्द था। भाई पहली बार का है, दो मिनट पियो, बहुत मजा आ जाएगा, सब घबराहट चला जाएगा, पियो पियो। एक पापड़ वाले से प्रेरणा लेने की वजह से कैसे केशटो को मिली बेशुमार शोहरत, ये सब बताएंगे आपको विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ इस पेशकश के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर और कॉमेडियन केशटो मुखर्जी की। हिंदी सिनेमा में शराबी के किरदार का पर्याय माने जाने वाले केशटो क्या वाकई शराब को हाथ नहीं लगाते थे? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि इसको लेकर तमाम भ्रम फैलाया जाता है कि निजी जिंदगी में केशटो शराब नहीं पीते थे। इस पेशकश में आपको इसकी असल हकीकत से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं केशटो का फिल्मों में आना कैसे हुआ। हरमजादे, तू हमारे साहबजादे होकर अनारकली जैसी दो टके की लड़की का। 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में केशटो मुखर्जी का जन्म हुआ। उनका बचपन और शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई थी। फिल्मों में शराबी और फटीचर टाइप के रोल निभाने वाले केशटो के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में PhD की थी। साहित्य और कला की तरफ उनका रुझान बचपन से ही था। धीरे धीरे उनकी रुचि रंगमंच में बढ़ी और उन्होंने कई नुक्कड़ नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया। जानी मानी अभिनेत्री राखी, अभिनेता विश्वजीत और केशटो कोलकाता में एक साथ रंगमंच किया करते थे। इसी दौरान महान डायरेक्टर ऋत्विक घटक की नजर इन पर पड़ी
और उन्होंने केस्टो को अपनी बंगाली फिल्म नागरिक में एक छोटा मगर दमदार रोल ऑफर कर दिया। हालांकि कुछ कारणों से ये फिल्म सालों रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद ऋत्विक घटक ने उन्हें अपनी कुछ और फिल्मों में भी लिया। ऋत्विक घटक जैसे फिल्मकार के साथ काम करने का फायदा ये हुआ कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की केस्टो के साथ जान पहचान हुई। जब 1957 में ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें अपनी हिंदी फिल्म मुसाफिर के लिए अप्रोच किया, इसके बाद तो केस्टो ने मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। ऋषिकेश और केस्टो मुखर्जी के बीच ऐसी केमिस्ट्री बनी कि ऋषिकेश की हर दूसरी फिल्म में केस्टो नजर आ जाते। आपको उनकी फिल्म चुपके चुपके, गोलमाल, गुड्डी और खूबसूरत तो याद ही होगी, जिसमें केस्टो मुखर्जी ने अपने लाजवाब अभिनय से सबको हैरान कर दिया था। बीवी की दवा दारू में सब बिक जाए, सब। बीवी की दवा में या तुम्हारी दारू में? दारू में। केस्टो मुखर्जी यानी शराबी टल्ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केस्टो की बॉलीवुड यात्रा नशेड़ी बनने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी? जहां फिल्म मुसाफिर में उन्होंने एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका निभाई। बुरे आदमी से भी किसी को हमदर्दी होती है बाबूजी। जब भगवान लंगड़ा ही ना पैदा करे तो खुद बनना पड़ता। तो वहीं 1960 में आई मासूम में सीआईडी के रोल में दिखे। फरार में स्कूल चौकीदार, पिंजरे के पंछी में नाई, अनोखी रात में एक हकले खरीदार और इसी तरह अलग अलग किरदारों में हल्की फुल्की कॉमेडी करते नजर आए। उन्होंने राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, किशोर कुमार जैसे अपने दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। उस वक्त मैं टून था, लेकिन टून होने के बाद मैं होश में आता हूँ और मुझे बराबर दिखाई देता है और पीने के बाद। फिर आया साल 1970। असित सेन अपनी फिल्म माँ और ममता के लिए एक ऐसा कॉमेडियन ढूंढ रहे थे जो शराबी का रोल कर सके। इसके लिए उन्होंने उस दौर के टॉप कॉमेडियंस महमूद और जगदीप से बात की, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के चलते ये रोल केस्टो की झोली में जा गिरा। फिल्म जब सिनेमा घरों में लगी तो केस्टो के अभिनय को देख कर दर्शक सोच में पड़ गए कि ये अभिनय है या वास्तव में इस आदमी ने शराब पीकर कैमरे के सामने डायलॉग बोले हैं। और इस तरह केस्टो के कैरियर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हुआ। धर्म के ठेकेदारों, अगर धर्म का इतना ही ख्याल है तो अपनी। इसके बाद तो लाइन लग गई माँ का आंचल, रखवाला, बॉम्बे टू गोवा, लोफर, स्वीकार, त्रिमूर्ति, चुपके चुपके, काला सोना, जंजीर और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की। इन फिल्मों में केस्टो मुखर्जी को एक शराबी के रोल में फिट भी किया और हिट भी किया। शराबी और केस्टो एक दूसरे के पर्याय बन गए। अब बात उस मसले की जिसको लेकर तमाम अफवाहें हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि केस्टो ने निजी जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई इंटरव्यू में केस्टो ने ये बात खुद ही कही थी कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने शराब नहीं पी होगी, सिवाय अपनी शादी के दिन को छोड़कर। बंबई आने के साथ ही केस्टो ने शराब पीनी शुरू कर दी थी और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल जब केस्टो बंबई आए तो वो एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे जो बहुत ही खस्ता हाल था। दीवारें और दरवाजे टूटे हुए थे, इसी वजह से रात को कुत्ते, बिल्ली और चूहे केस्टो के कमरे में आ जाते थे। इसके चलते वो सो नहीं पाते थे, नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी और इसी के चलते उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया जो लत बन गई। मेरा धगुल के पास चले गया और उस साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेगा, बोलना केस्टो ने भेजा, समझी। फिल्मों में केस्टो को जो भी छोटे छोटे किरदार मिलते थे वो उसे पूरी लगन के साथ निभाते थे। उनमें खास बात ये थी कि फिल्म में रोल भले ही छोटा हो, रोल में कोई दम भी ना हो, बावजूद इसके केस्टो अपनी लड़खड़ाती आवाज, हंसने का खास अंदाज और उससे बढ़कर चेहरे के गजब के एक्सप्रेशन से उस सीन को यादगार बना देते थे। अबे तू कविता नहीं रहा या दवा का नुस्खा बता रहा है? शोले फिल्म में केवल 3 सीन में हरिराम नाई के रोल को भला कौन भूल सकता है। होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ
जेल में सुरंग। अब जरा याद कीजिए गोलमाल फिल्म के क्लाइमेक्स में केवल एक मिनट का वो सीन जब एक्टर उत्पल दत्त से पुलिस स्टेशन में उनकी मुलाकात होती है। केस्टो ने अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग के चलते उस सीन को क्लासिक और अमर बना दिया। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, लगता है दोनों का धंधा एक ही है, आपका भुट्टी का है। चुपके चुपके के उस शराबी को भूलना नामुमकिन है जो एक शेर लिखने की भरपूर कोशिश करता है पर बार बार अटक जाता है। गुलाब और जुलाब वाला शेर। जैसा कि पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे, ये क्या हुआ? अरे और एक फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा जिसमें केस्टो बिना कुछ बोले ही केवल अपनी भाव भंगिमाओं से ऑडियंस का दिल चुरा ले गए। ये था उनकी स्पीचलेस कॉमेडी का जलवा। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शराबी के तौर पर केस्टो की पहचान बन चुकी थी। आखिर केस्टो शराबी के तौर पर इतने फेमस कैसे हो गए, इसकी भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार केस्टो ने बताया था कि उनके घर के सामने एक पापड़ वाला रोज शराब पीकर आता था। नशे की हालत में वो जिस तरह से आवाज निकाल कर पापड़ बेचता था वो केस्टो को बड़ा अपील करता था। वो बड़ी शिद्दत से रोज उसके आने का इंतजार करते और उसका अंदाज देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करते। जब फिल्म माँ और ममता के लिए उन्हें पहली बार शराबी का रोल मिला तो उन्होंने इसी पापड़ वाले के अंदाज में इस किरदार को जीवंत कर दिया। शराब मैं जरूर पीता हूँ लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। 1977 में फिल्म मेकर मनमोहन देसाई चाचा भतीजा नाम से एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में न केवल केस्टो को उन्होंने रोल दिया बल्कि एक पूरा गाना केस्टो के नाम पर बनाकर उन्हें अमर कर डाला। गाने के बोल थे, शादी बनाने को केस्टो चला। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान भला क्या हो सकता है। कई एक मौकों पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बादशाह शाहरुख खान ने भी खुलकर इस अद्भुत कलाकार की तारीफ की है। वैसे तो केस्टो मुखर्जी का बेस्ट कॉमिक रोल में फिल्म फेयर के लिए कई बार चयन हुआ लेकिन 1981 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खूबसूरत में आखिरकार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर ही लिया। आज क्या खिलाओगे ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। केस्टो से जुड़ा एक रोचक किस्सा और भी है जिसे सुनकर आज भी होठों पर हंसी आ जाती है। ये बात केस्टो मुखर्जी के संघर्ष के दिनों की है। किसी ने उन्हें काम मांगने के लिए बिमलदा से मिलने की सलाह दी। केस्टो जब बिमलदा के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन केस्टो वहां से जाने को राजी नहीं थे और बिमल राय का मुंह ताकते खड़े रहे। इस पर गुस्से में आकर बिमल रॉय ने कहा कि फिलहाल एक कुत्ते की जरूरत है, क्या उसकी आवाज निकाल सकते हो? ये सुनते ही केस्टो ने तुरंत कुत्ते की एक्टिंग करते हुए भौंकना शुरू कर दिया। काम के प्रति केस्टो की लगन से बिमलदा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने केस्टो मुखर्जी को अपनी फिल्म में लेने का वादा कर दिया और आगे चलकर तो केस्टो बिमलदा के पसंदीदा कॉमेडियन बन गए। केस्टो का जादू कुछ ऐसा था कि नाम आते ही लोगों को ये अंदाजा लग जाता कि फिल्म में जरूर किसी टल्ली का रोल होगा। अपनी निजी जिंदगी में वो अपने बच्चों के लिए उतने ही अनुशासन प्रिय पिता थे। केस्टो को बंगाली खाने का बड़ा शौक था, साथ ही वो कुकिंग भी बड़े चाव से करते थे। जब भी वो शूटिंग से लौटते थे तो अपने बच्चों को खुद उनकी पसंदीदा डिश बनाकर खिलाते थे। ऑन स्क्रीन केस्टो दा जितने चपल और मजाकिया दिखते थे ऑफ स्क्रीन उतने ही सरल स्वाभिमानी और गंभीर किस्म के इंसान थे। उनकी निजी जिंदगी में बेशुमार दर्द था। ये किस बदतमीज की हरकत है? जवाब दो। अपने एक साथी कॉमेडियन से अक्सर वो अपने दिल का दर्द साझा किया करते थे। पत्नी से आए दिन उनकी लड़ाई होती थी। 1980 में एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई थी। इस सदमे से केस्टो मुखर्जी उबर नहीं पाए और 2 मार्च 1982 में 56 साल की उम्र में ये बेमिसाल कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने 30 साल के लंबे फिल्मी करियर में केस्टो दा ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। केस्टो के परिवार में उनके बाद उनके बेटे बबलू मुखर्जी हैं
जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी की दुनिया में अच्छा नाम कमाया है। केस्टो के अभिनय, उनकी कॉमेडी और फिल्म जगत में किए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।